सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे पास रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एंड ये है इसका लेटेस्ट मॉडल। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, इसका राइड रिव्यू भी करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। आपको भी रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, टेस्ट राइड करनी है या कोई भी इंक्वायरी है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एंड ये है इसका स्टेलर वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको इसकी अपडेटेड प्राइस बता देता हूँ। सो मीटियोर 350 में मिलते हैं आपको तीन वेरिएंट्स। फर्स्ट वन इज़ फायरबॉल, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹2,04,000 एक्स शोरूम। दिस इज़ द स्टेलर वेरिएंट, इसकी प्राइस है ₹2,10,000 एक्स शोरूम। एंड टॉप वेरिएंट है सुपरनोवा, उसकी प्राइस है ₹2,25,000 एक्स शोरूम। तो प्राइस थोड़े बहुत चेंज हुए हैं क्योंकि यहाँ पे अब आपको मिलता है BS6 फेज़ 2 कम्प्लाइंट इंजन, E20 की बैजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट मॉडल। तो ये थी बात प्राइस की, अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। तो मेरा सबसे मेन रीज़न ये कलर आज रिव्यू करने का इसलिए था क्योंकि ये सबसे फेवरेट कलर है मीटियोर 350 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक, मैट ब्लैक कलर है, प्लस ये क्रोम एलिमेंट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो कॉन्ट्रास्ट बनता है वो काफ़ी अच्छा लगता है और इसी वजह से ये लोगों का सबसे फेवरेट कलर है। तो अपीयरेंस तो शानदार है, परफेक्ट क्रूजिंग बाइक यहाँ पे आपको मिलती है। सो ये थी बात अपीयरेंस की। अब करते हैं क्विक वॉक अराउंड। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, RE का लोगो है, यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, दिस इज़ द फ्रंट मडगार्ड जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है एंड मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको मिलता है। कमिंग टू द फ्रंट व्हील, तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिलता है एंड 19 इंच का ये एलॉय व्हील है, 100x90 19 इंच की टायर साइज़ है। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है, रियर में भी डिस्क मिल जाती है, डुअल चैनल ABS एज ए स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट में मिलता है आपको मीटियोर 350 में, बाइबर के कैलिपर्स हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ्रंट का अपीयरेंस यहाँ पे आपको मिलता है, थोड़ा बहुत ब्लैक है, थोड़ा बहुत क्रोम एलिमेंट है तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा अपीयरेंस है। सो अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो क्विक डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको 1400mm का व्हील बेस मिलता है, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है एंड 765mm की सीट हाइट मिलती है। सो यदि ओवरऑल डायमेंशन कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 191kg का कर्व वेट मिल जाता है। सो ये थी इसकी जनरल डायमेंशन एंड कर्व वेट की बात। नाउ कमिंग टू द चेसी, तो ट्विन डाउन ट्यूब चेसी इसमें आपको मिल जाता है। ये पहली मोटरसाइकिल थी रॉयल एनफील्ड की जिसमें जे सीरीज़ इंजन आया था। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है 350cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेज़ 2 कम्प्लाइंट इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 PS ऑफ पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क। और इसके इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको पता ही है, हालांकि आज भी हम इसको थोड़ा राइड करेंगे एंड देखते हैं क्या कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया है क्या, क्योंकि यहाँ पे अब E20 कम्प्लाइंट इंजन आपको मिल रहा है। सो ये सब चीज़ें हैं। क्रोम एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, किक स्टार्ट इसमें आपको नहीं मिलता है, फुट पैग्स ब्लैक फिनिश में हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, इंजन ब्लैक्ड आउट है, यहाँ पे आपको सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा अपीयरेंस मिलता है। साइड पैनल पे यहाँ पे आपको मीटियोर 350 की बैजिंग मिल जाती है। कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो काफ़ी अच्छा बड़ा यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है एंड स्टेलर वेरिएंट में आपको रॉयल एनफील्ड कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिलता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा गेटअप देता है। यहाँ पे आपको 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है एंड ये जो कलर है ना, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए लगता है क्योंकि ये मैट ब्लैक कलर, कम ऑप्शन मिलते हैं आपको ये मैट ब्लैक कलर के। सो ये थी बात। क्रोम फिनिश में यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो दिस इज़ द की। की में कोई चेंजेस नहीं है, वही वेव की यहाँ पे जो नई लॉन्च हुई थी वो है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। सो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर है, उसके अलावा सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। हालांकि इसमें टैकोमीटर नहीं मिलता है तो वो मुझे एक कमी लगती है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, टाइम है, ट्रिप है एंड रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल। इस पर भी ये जो क्रोम फिनिश है काफ़ी अच्छी लगती है। ट्रिपल नेविगेशन आप इसमें लगवा सकते हैं चाहें तो। एंड यहाँ पे आपको USB चार्जिंग भी मिल जाती है, सो आप अपना फ़ोन ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं, नीचे से दिख रहा होगा शायद तक। सो ये थी बात। क्रोम फिनिश में हैंडल बार मिलता है और स्विचेस की फिट एंड फिनिश तो यार मीटियोर से ही सुधरी है रॉयल एनफील्ड की। सो स्विचेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे मॉडर्न स्विचेस मिल जाते हैं आपको, हैजार्ड भी मिल जाता है। सो ये सब चीज़ें, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है। क्लच थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब मिड रेंज में मिलता है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके अलावा ब्रेक यहाँ पे अच्छे हैं। सो ये जो है ना, ये थोड़े से अच्छे बल्की है ना, तो थोड़ा
ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। क्रोम फिनिश में यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, सीट यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है, सो उसी की वजह से कंफर्ट अच्छा मिलता है क्रूजिंग में। सो राइडर को काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा, पिलियन को अच्छा कंफर्ट है, और स्टेलर वेरिएंट में आपको ये एड ऑन मिल जाता है बैक रेस्ट, तो इसकी वजह से भी पिलियन को काफ़ी कंफर्ट मिल जाता है। सो ये थी बात रॉयल एनफील्ड की, बैजिंग पीछे मिल जाती है। यहाँ पे आपको पीछे ट्विन सस्पेंशन मिल जाते हैं। कमिंग टू द रियर व्हील, सो यहाँ पे आपको मिल जाता है 17 इंच का एलॉय व्हील, 140x70 की टायर साइज यहाँ पे आपको मिल जाती है। पीछे डिस्क है, डुअल चैनल ABS मैंने आपको बता ही दिया था, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको पीछे का टायर मिलता है, ब्रॉड टायर यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड एक माइनर से चेंज के बारे में बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पे आपको ये जो बैकरेस्ट मिलता है ना, इसकी पोजीशन थोड़ी बेटर करी है अब रॉयल एनफील्ड ने। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको गैप अच्छा मिल रहा है, अब थोड़ा सा इसको पीछे भी लिया गया है, सो पिलियन को और ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। सो ये एक माइनर सा चेंज है, छोटा सा बिल्कुल, जो ना के बराबर है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा पुरानी और नई में। सो ये एक माइनर सा चेंज है। उसके अलावा पीछे का अपीयरेंस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, LED टेल लैंप मिल जाती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, साइड में यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, उसके अलावा मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, सभी चीज़ें आपको एज ए स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। अब हम सुनते हैं इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट और फिर इसको लेके चलेंगे राइड पे। सो इसको ऑन कर लेते हैं। सो अब हम चलते हैं मीटियोर 350 को राइड पे लेके, एंड मीटियोर 350 से ही ये जो इंजन के रिफाइनमेंट की कहानी है वो शुरू हुई थी। रॉयल एनफील्ड में जो रिफाइनमेंट में इम्प्रूवमेंट आया था वो मीटियोर 350 से ही शुरू हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जे सीरीज इंजन आया था मीटियोर 350 में, एंड हमने पहली बार कोई मोटरसाइकिल रिव्यू करी थी वो भी मीटियोर 350 थी। सो इससे बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, एंड आज ये स्टेलर ब्लैक जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है कलर, वो लेके मैं इसीलिए निकला हूँ क्योंकि लोग काफ़ी बोलते हैं यार स्टेलर मैट ब्लैक देखना है, वो उसका रिव्यू करो, ये सब चीज़ें हैं। तो आज है हमारे पास ये, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। सो इंजन जैसा कि मैंने कहा, इसी ने ही कहानी लिखी है रिफाइनमेंट की। सो रिफाइनमेंट बहुत अच्छा हो गया था उस टाइम पे और अभी भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आपको BS6 फेज 2 कम्प्लाइंट इंजन मिल रहा है, 20 PS की पावर है, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो चलाने में बहुत मज़ा आता है, क्रूजिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि जो हाथों की पोजीशन है, फुट पैक्स की पोजीशन है, वो थोड़ी सी आगे है, जो राइडिंग ट्राइंगल बनता है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त बनता है, तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आता है इसको राइड करने में। इंजन स्मूथ है, सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन यहाँ पे आपको सॉफ्ट एंड स्टिफ का कॉम्बिनेशन मिलता है, सो उसकी वजह से बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है। सो मैं मतलब रिकमेंड करूँगा जिनको क्रूजिंग करनी है ना, मतलब हाईवे पे ज़्यादा चलानी है बाइक को, ज़्यादा ना तो सिटी में चलानी है ना ज़्यादा कहीं एडवेंचर करना है, तो ये बाइक है उन लोगों के लिए, मज़ा आ जाएगा इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है, जब आप इस पर बैठ के निकलते हैं तो एकदम जो सीटिंग पोजीशन बनती है वो काफ़ी अच्छी बनती है। सो ये सब चीज़ें हैं, एंड ओवरऑल ये मतलब एक परफेक्ट क्रूजिंग बाइक मैं बोल सकता हूँ। एंट्री लेवल अगर आपको लेनी है तो मीटियोर 350 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साठ 70-80 पे तो मतलब 80 पे तो आराम से इतनी इजीली पहुंचा देते हैं, पहले 80 पे पहुंचते ही वाइब्रेशन ऐसे आते थे कि हाथ हिल जाता था, तो ये सब चीज़ें चेंज की हैं मीटियोर 350 ने ही, मतलब स्टार्टिंग मीटियोर 350 ने करी है। सो ओवरऑल क्वालिटी, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पीछे पिलियन को बिठा के चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पीछे पिलियन को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा और वो भी आपको सपोर्ट करेगा राइड करने में। सो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं। माइलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 टू 43 के बीच में आपको माइलेज मिलेगा अगर आप अच्छे से बहुत ध्यान से इसको चलाएंगे, 60-70-80 के बीच में क्रूजिंग करेंगे, इकोनॉमिकल स्पीड में क्रूजिंग करेंगे और सभी चीज़ें मतलब केयर तो करनी पड़ेगी आपको, वो सब चीज़ें सही से करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 km/L आपको इसमें से मिल सकता है माइलेज। सो दैट्स नॉट अ बैड माइलेज इन 350 cc इंजन, एंड काफ़ी अच्छा सभी चीज़ें हैं। शाम का वक्त है, क्रूजिंग करने का यही टाइम है यार, मज़ा आता है क्रूजिंग करने में इस टाइम, तो आप लोग भी मीटियोर 350 लीजिए अगर आपको क्रूजिंग करने में मज़ा आता है तो। दिस इज़ द बेस्ट बाइक फॉर क्रूजिंग, और क्रूज़ करिए
एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप हमें कि आपको मीटियोर 350 कैसी लगती है, मतलब लोगों को क्लासिक 350 ज़्यादा पसंद आती है। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्लासिक 350 ज़्यादा बेटर लगती है या मीटियोर 350। सो आपके कमेंट्स आएंगे उस पर मैं सभी पर रिप्लाई करूँगा, ये मेरा वादा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। ये है इसका E20 कंप्लायंट वाला इंजन, सो E20 फ्यूल इसमें अब डल जाता है। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।